नमस्कार, मेरा नाम अमन चुघ है एंड मेरा डिटेल्ड प्रोफाइल विजिट करने के लिए आप www.amanchugha.com पे विजिट कर सकते हैं। आप में से कई लोग पूछ रहे थे कि LIC और IDBI की डील के बारे में मेरा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन क्या है। आइडली मैं इसको थोड़ा और डिफरेंट स्ट्रैटेजिकली देखना चाहता हूँ, रादर देन अगर आप इमोशनली ना देखें। इसमें एक स्ट्रैटेजिकली अंडरस्टैंडिंग है जिसको बताने के लिए पहले मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। पॉइंट यह है कि गवर्नमेंट को ये सारे डिफरेंट जो बैंक्स हैं, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक्स, उनमें मैसिव नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं और गवर्नमेंट को इनको बेल आउट करने के लिए या तो पैसे छापने पड़ेंगे या अल्टीमेटली इनका आपस में एक्विजिशन करवाना पड़ेगा। एक्विजिशन करने का मतलब है जिन बैंक्स में NPS कम है और जिनके पास कैश रिचनेस ज़्यादा है वो शायद उन बैंक्स को खरीदेगी जिन बैंक्स में NPS ज़्यादा है। एंड मोटा मोटा अंदाजन 2,00,000 करोड़ के फंडिंग ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर चुकी है। एंड ऐसी एक फिगर आती है कि मोटा मोटा 5,00,000 करोड़ के NPAs हैं जो कि इतने सालों से जो इतने बैड लोन्स हुए या जो लेंडिंग हुई, पॉलिटिकल लेंडिंग कह सकते हैं आप उसको या रॉन्ग लेंडिंग कह सकते हैं, जिसके कारण वो सारे बस्ट अब हो रहे हैं। जिसके कारण गवर्नमेंट अगर इतना लाख करोड़ अगर नए नोट छापेगी सो अल्टीमेटली हमारी करेंसी की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वैल्यू खराब हो जाएगी, जिसके लिए गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजिकली कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। अब आइडली पर्टिकुलरली IDBI के केस में फिलहाल 18,000 करोड़ की पेमेंट चाहिए NPS के अगेंस्ट फॉर IDBI। एंड आप समझ सकते हैं कि 18,000 करोड़ की NPA की पेमेंट फिलहाल है, हो सकता है कल को और भी बढ़ सकती है ये अमाउंट अगर जैसे जैसे लोग और रीपेमेंट नहीं करते तो। मगर IDBI अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन रहा है और बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन रहा है, जैसे IDBI, IFCI, ICICI, एंड ये प्राइमरली लॉन्ग टर्म लेंडिंग सिंस इंसेप्शन करते आए हैं। नॉर्मली इनकी लॉन्ग टर्म लेंडिंग काफ़ी देर से चलती आई है, मगर ये नॉर्मली रिटेल बैंकिंग में कोई ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे हैं, जैसे कार लोन, होम लोन, ऐसे एरिया में इनका कोई ज़्यादा मेजरली स्कोप नहीं रहा। मगर लॉन्ग टर्म जो बिजनेस फाइनेंसिंग होती है, जो टर्म फाइनेंसिंग होती है, उसमें IDBI ने काफ़ी पैसे लेंड किए हैं और पहले एक ज़माने में काफ़ी रॉबस्ट बैंक माना जाता था। अब आइडली इतना जो फंडिंग कर रखी IDBI में, जिसमें से कुछ बैड हो रहे हैं, NPAs हो रहे हैं, उसके लिए उनको फंडिंग चाहिए। एंड फंडिंग के लिए या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए नोट छापे या बजट में कुछ ना कुछ और एक्सपेंडिचर दिखाए या फिर उसको स्ट्रैटेजिकली किसी और को अक्वायर करवाए, ये उसके पास एक स्ट्रैटेजिक ऑप्शन थी गवर्नमेंट के पास। अब देखा जाए तो IDBI बैंक की जो वैल्यूएशन है, यानी कि जो शेयर्स की वैल्यूएशन है, वो काफ़ी नीचे आ चुकी है, जिसके लिए 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने ऑफर किया था गवर्नमेंट को कि हम पैसा दे देते हैं और IDBI बैंक को हम खरीद लेते हैं। मगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रैटेजिकली उन दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को मना कर दिया, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया समहाउ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को इतने सस्ते वैल्यूएशन पे IDBI बैंक को नहीं देना चाहती। इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं समझती है कि IDBI की जो वैल्यूएशन, जो शेयर वैल्यूएशन जो इस टाइम पे काफ़ी डाउन है, उस पर किसी प्राइवेट सेक्टर बैंक को क्यों अल्टीमेटली खरीदवाना। तो उसने स्ट्रैटेजिकली यूज सोचा कि LIC काफ़ी सालों से बैंकिंग लाइसेंस चाहता था एंड वॉन्टेड टू कम इन टू बैंकिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। LIC अगर आप देखें म्यूचुअल फंड में है, इंश्योरेंस में है एंड साथ में हाउसिंग फाइनेंस में है, मगर बैंकिंग आम नहीं है LIC के पास। एंड LIC अपने आप में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है एंड सिंस बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है तो उसके लिए उसको बैंकिंग लाइसेंस अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली इतना रॉबस्ट इंस्टीट्यूशन बैंकिंग में अगर नहीं है तो अल्टीमेटली चैलेंज है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए, बिकॉज वी ऑल्सो नीड लार्ज इंस्टीट्यूशनल बैंक्स एज जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी होते हैं। सिंस LIC की शुरू से चाहत रही थी कि बैंकिंग लाइसेंस होना चाहिए एंड जिसके लिए या तो वो अपना एक बैंक बनाती है, एंड अपना बैंक बनाने में बहुत चैलेंजेस हैं, अपने आप पूरा एसेट बेस सेटअप करना, प्रॉपर वे में डिपॉजिट्स लेना, प्रॉपर वे में अल्टीमेटली उसको लेंडिंग करना, जो कि समा उसकी एक्सपर्टीज नहीं है एंड ये एक्सपर्टीज बनाने में काफ़ी साल लग जाते हैं, जिसके लिए LIC के पास एक ऑप्शन बचता है कि वो किसी और बैंक को खरीद ले। एंड ऐसे में मौका ये आया कि IDBI बैंक की शेयर वैल्यूएशन काफ़ी डाउन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक को ये बैंक देना नहीं चाहती, तो उसने LIC के थ्रू ये बैंक LIC से अक्वायर करवाने की बातचीत शुरू हो गई। सो इसका मतलब ये, आप यूं मत समझिए कि LIC एक तरह से IDBI को बेल आउट कर रही है, मगर आप यूं समझिए
कि LIC की बैंकिंग नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए भी एक तरह से उसको IDBI बैंक की आर्म मिल गई, जिसका मतलब यह है कि जैसे करंटली IDBI बैंक के पास अंदाजन 10% होल्डिंग है IDBI बैंक में LIC के पास, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अंदाजन 80% है, तो इस 80% में से अंदाजन 41% अब LIC खरीद लेगी, या 41 या 43% के आसपास, ताकि 51% या 53% के आसपास की होल्डिंग LIC के पास आ जाए। ये आप इसको इन्वेस्टमेंट ना समझिए, सो LIC किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही, इसको ऐसा मत समझिए, इसको यूं समझिए कि LIC एक बैंक खरीदने के लिए एक तरह से स्ट्रेटेजिकली बायआउट कर रही है। सो इसको आप शेयर इन्वेस्टमेंट ना समझिए कि जी शेयर्स तो खराब है IDBI के, LIC IDBI के शेयर्स में पैसा क्यों लगा रही है। LIC IDBI के शेयर्स में पैसा नहीं लगा रही है, LIC IDBI के शेयर्स को खरीद के स्ट्रेटेजिकली बायआउट कर रही है, ताकि अल्टीमेटली LIC के पास बैंकिंग होल्ड आ जाए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। एंड ऑल्दो IDBI का लास्ट क्वार्टर का लॉस अंदाजन 5700 करोड़ का है, मगर आप अगर ध्यान से देखें जो 18,000 करोड़ की जो फंडिंग जो IDBI को करनी है अगेंस्ट द NPS की रिक्वायरमेंट जो IDBI को करंटली है, 7,000 करोड़ के नॉन कोर एसेट्स हैं IDBI के पास और 7,000 करोड़ के फिक्स एसेट्स हैं, यानी कि जो कोर एसेट्स होते हैं, सो मोटा मोटा 14,000 करोड़ के तो एसेट्स ही हैं IDBI के पास, सो इतना बैड प्रोपोजिशन नहीं है जितना मार्केट में फैला रखा है। सो अब पॉइंट यह है कि जो IDBI के लिए जो फंड्स हैं वो LIC कहां से लाए, अगर तो पॉइंट है कि LIC करंट अपने पैसे से फंड्स देती है, सो अल्टीमेटली लोग कहते हैं जी पॉलिसी होल्डर का फंड्स है वगैरह वगैरह, मगर उसको ध्यान से समझिए, पॉलिसी होल्डर भी तो LIC को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देता है, 15 साल, 20 साल, 30 साल, एंड IDBI भी जो लेंडिंग करती है वो लॉन्ग टर्म के लिए करती है, यानी स्ट्रेटेजिकली दोनों की फाइनेंशियल पोजिशंस एक दूसरे से मैच करती हैं। यानी IDBI किसी को रिटेल लोन, होम लोन, कार लोन ऐसा चीज तो देती नहीं है, वो भी टर्म फंडिंग करती है, एंड देखा जाए LIC भी तो अल्टीमेटली बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को फाइनेंसिंग करती है। सो वाइल LIC पॉलिसी होल्डर का पैसा भी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में लगाती है, तो समझ लो LIC पॉलिसी होल्डर का पैसा बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा लगा रही है। इसको हम ऐसा ना समझें कि पॉलिसी होल्डर का हम पैसा बर्बाद कर रहे हैं IDBI बैंक को खरीद के, IDBI बैंक में बैंकिंग आर्म मिल रही है LIC को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है LIC के लिए टू सस्टेन इन दिस वर्ल्ड ऑफ बिगीज, जहां पे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, एंड मोटा मोटा हर बैंक के पास नॉर्मली अपनी इंश्योरेंस कंपनी होती है, जैसे HDFC बैंक के पास है, ICICI के पास है, ऐसी अल्टीमेटली इस इंश्योरेंस कंपनी के पास भी अपना बैंक हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा भी हो जाएगा। अब पॉइंट यह है कि वाइल ये स्ट्रेटेजिक बाइंग है और ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, मगर मैं इसमें एक और एंगल देखता हूँ, वो एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि आने वाले समय में LIC के जो प्रोडक्ट्स हैं वो IDBI के काउंटर पे भी मिलेंगे, यानी कि IDBI के जितने भी क्लाइंट्स हैं, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, अल्टीमेटली वहां पे क्रॉस सेलिंग LIC के प्रोडक्ट्स भी होंगे। इन एन इनडायरेक्ट वे में आपको ये कहना चाहता हूं कि मोटा मोटा LIC एजेंट्स के लिए एक कंपटीशन इन हाउस क्रिएट हो रहा है, एंड मैं ऐसा पहले भी कहता आया हूं कि LIC एजेंट्स चाहे 12 लाख एजेंट्स हैं, मगर उनमें से परफॉर्म करने वाले बहुत कम हैं, एंड अल्टीमेटली आने वाले समय में वही जो कम लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेटेड काम कर रहे हैं, नॉलेज का काम कर रहे हैं, मार्केट में सिर्फ वही रह जाएंगे। इन अ इनडायरेक्ट मैनर आप समझिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझिए, हम ये कहते हैं कि जी मार्केट में जब हम इंश्योरेंस बेचने जाते हैं तो क्लाइंट हमसे इंश्योरेंस लेता नहीं है, मगर आप सोचिए अगर 12 लाख में से समहाउ अंदाजन 40-50 हज़ार एजेंट्स जो परफॉर्मिंग हैं और जो एजुकेटेड होंगे और जो टेक्निकली साउंड होंगे, अगर वही लोग रह जाएं तो 11.5 लाख एजेंट्स अगर निकल जाएं जो कि काम नहीं कर रहे और जो कि काम दूसरों का खराब करते हैं, आप सोचिए क्लाइंट्स खुद मांग मांग के आपसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स मांगेंगे, एंड अल्टीमेटली वो दिन दूर नहीं है जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ओनली फ्यू लोग जो एजुकेटेड होंगे और टेक्निकली साउंड होंगे सिर्फ वो रह जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ग्रोइंग कंपटीशन ये क्रिएट कर जाएगा सब कुछ, जैसे कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स का आना, अब ये बैंकिंग आर्म पे अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स का ऑफर होना, सो अल्टीमेटली ये सारे एक तरह से न्यू एज डेवलपमेंट कर रहा है, जिसमें आप समझे ना समझे मगर अल्टीमेटली अपने को समझ आ रहा है कि ऐसा बहुत जल्दी आने वाला है, जिसके लिए कई नोटिफिकेशंस उम्मीद हैं कि जल्दी आएंगी।
सो आई होपफुली बिलीव ये ऑडियो आपको ठीक ठाक लगी होगी। मैं इसके ऊपर और फर्दर एजुकेशनल ऑडियो और फर्दर बनाऊंगा। टिल देन आप इसको एंजॉय कीजिए एंड फर्दर स्प्रेड कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।